हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 1 एंड लेट डब्ल्यू बी द सबस्पेस स्पैन्ड बाय दिस सेट। हम इस सेट को नाम ऐसे दे देते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टैन एक्स। तो हमने डायमेंशन की बात करनी है। ये जून 2019 के एग्जाम में आया हुआ है नेट के, और इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग दो चीजें रिवाइज कर लेते हैं। क्विक रिकैप कि डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन द सेट एस, राइट? सो अब अगर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करना हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? रॉन्सकीन से भी चेक कर सकते हैं। अगर द सेट इज एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द रॉन्सकीन इज नॉन जीरो फॉर एटलीस्ट 1x। सो ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे और प्रूव करेंगे। एंड रॉन्सकीन हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड, जितने भी हमें सेट में फंक्शंस दिए होंगे उसके बाद उसका डेरिवेटिव। अगर तीन फंक्शन है तो हमारा रॉन्सकीन क्या आएगा? 3x3 का डिटर्मिनेंट आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सेट में हमारे पास तीन फंक्शंस हैं। सो हम इसका रॉन्सकीन निकालेंगे सबसे पहले। सो हमने साइन एक्स उसका डेरिवेटिव लिख दिया, कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंड अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, नेगेटिव बाहर रहेगा। ऐसे टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स का आप कर सकते हो चेन रूल से, 2 सीकेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, दैट इज सीकेंट एक्स टेन एक्स। सो दैट विल कम आउट टू बी 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपने रॉन्सकीन कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो आप इजिली चेक कर लें कि रॉन्सकीन की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ टेन एक्स इंटू 2 tan² x + 3। नाउ अब हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि द सेट इज एल आई इफ द रॉन्सकीन इज नॉन जीरो फॉर एटलीस्ट 1x। सो हम लोग x को चूज कर लेते हैं पाई बाय 4। इफ आई चूज x टू बी पाई बाय 4, हमें पता है tan पाई बाय 4 इज 1। सो आप इसको सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, सो इट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, एंड दिस विल बी 2 + 3, दैट इज 5। सो दिस विल कम आउट टू बी -5 व्हिच इज नॉन जीरो। सो रॉन्सकीन इज नॉन जीरो। अगर हमारा रॉन्सकीन नॉन जीरो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो सेट क्या है? एल आई एल लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 3। इस क्वेश्चन में एक और चीज थी कि हम लोग सीधे ही जो फोर्थ ऑप्शन है उसको क्रॉस भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो सेट बनेगा ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर तो ये सारा ही नॉन जीरो आ गई इसकी वैल्यू, तब तो हम कह देंगे सिंपली दैट डायमेंशन इज 3। बट मान लो कि वो जीरो आ जाता तो कम से कम 3 ना होती, 2 होती या 1 होते, राइट? सो इनफाइनाइट वाला ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।